चक्की पे चक्का में अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते छाई हुई हैं सुर्खियों में और हैं आपके फायदे की। इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल्स इन द न्यू कैस्ट्रॉल मैग्नाटेक। सैंट्रो से भी छोटी कार उतारकर हुंडई छोटी कारों के बड़े बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए तैयार है। हुंडई 2011 में इस कार को भारत में लॉन्च करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। हालांकि कार की कीमत और इसकी इंजन क्षमता का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। नई कार का डिजाइन भारतीय बाजार की जरूरत के मुताबिक बनाया जाएगा। कंपनी चेन्नई के अपने प्लांट में इस प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। नैनो ने पहले ही इस सेगमेंट में जबरदस्त हलचल मचा रखी है। छोटी कारों के बाजार में प्रीमियम हैचबैक कार जैज के जरिए शुरुआत करने वाली होंडा अब एक और छोटी कार लाने को तैयार है। ये कार जैज से छोटी और सस्ती होगी। 2CV कोट नाम से बन रही इस कार में होंडा का बेहद सफल iVTEC इंजन लगा होगा। हालांकि उम्मीद है कि ये इंजन 1.2 लीटर से कम क्षमता का होगा। कंपनी इस कार का दाम कम रखने के लिए इसमें 80-85% तक कलपुर्जे स्थानीय कंपनियों से ही खरीदेगी। ये कार बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बन रही है और इसका डिजाइन भी भारतीय बाजार के मुताबिक ही रखा जाएगा। ये कार भारतीय बाजार में 2011 के आखिर या फिर 2012 की शुरुआत में दस्तक दे सकती है। भारत में टायरों के बड़े बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए यूरोपियन कंपनी मिशेलिन तैयार है। कंपनी तमिलनाडु में टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। चेन्नई के नजदीक लगने वाला ये प्लांट 290 एकड़ में फैला होगा। इसमें 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी की योजना इस प्लांट से 2012 में उत्पादन शुरू करने की है। मिशेलिन के मुताबिक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम चल रहा है। कंपनी के मुताबिक इस प्लांट का पूरा जोर बस और ट्रक के रेडियल टायरों पर होगा। ऐसे में कंपनी को इस बाजार में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। Intelligent molecules in the new Castrol MagnaTech.